दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों नमस्कार, आज की वीडियो हम बना रहे हैं रस को लेकर के। रस काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूं तो सारे ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, लेकिन काव्य शास्त्र के अध्ययन के लिए रस को जानना बहुत ज़रूरी है। और विशेष रूप से आप जब काव्य यानी कि कविता पढ़ते हैं, चाहे किसी भी काल की हो, किसी भी रूप में हो, तो रस, छंद, अलंकार, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और इनके अंदर रस, क्योंकि काव्य यानी कि साहित्य जो पढ़ने से आनंद मिलता है, तो उस आनंद को परिभाषित करने में रस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी कि वो आनंद क्या है, वो कैसे आपको अच्छा लगता है, कैसे आपको प्रभावित करता है, इसलिए रस को बहुत जरूरी जानना है। आप जानते हैं कि बहुत सारे संप्रदाय हुए, उन संप्रदायों के अलग अलग आचार्य हुए, उन्होंने अलग अलग संप्रदाय के आधार पर अलग अलग सिद्धांतों को निरूपित किया। तो अपने अपने सिद्धांत के आधार पर काव्य की आत्मा बताने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने तर्क दिए। जैसे कि उदाहरण के लिए अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, तो इन संप्रदाय के आचार्यों ने अपने अपने संप्रदाय को विशिष्ट बताया, काव्य की आत्मा बताई। ऐसे ही रस संप्रदाय भी है, और रस संप्रदाय के प्रवक्ता आप जानते हैं कि आचार्य भरत मुनि है, और आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा बताया, इसके तर्क दिए, और फिर बाद में सब लोगों ने इसे माना भी। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, आप, मैं अक्सर कहता हूँ, कागज़ कलम लेके बैठें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें आप नोट करते रहें। हालांकि वीडियो आपके पास है, आप चाहे जितनी बार देखें, और देखनी भी चाहिए दो तीन बार, समझ में नहीं आए तो भी, और अच्छे समझ में आ जाए तो भी एक बार पुनरावृत्ति हो जाए, लेकिन फिर भी आप कागज़ कलम लेके बैठेंगे तो नोट्स आपके पास तैयार रहेंगे। तो एक बार आप पढ़ेंगे, एक बार सुनेंगे, एक बार देखेंगे और एक बार लिखेंगे, तो ये 3-4 बार की प्रक्रिया में आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और दूसरा निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम रस के बारे में और रस के भेद के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। रस का अर्थ, रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। जैसे कोई फल है, फल का आप रस निचोड़ लें, तो रस निचोड़ लिया मतलब उसका तत्व, उसका सत्व, उसका मूल आपने ले लिया है। तो निचोड़ जो है, ऐसी काव्य का निचोड़, और उसके रस के पीने में आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो वो जैसा रस है, जैसे आम का रस पियेंगे तो आपको मीठा लगेगा, अगर आप जामुन का रस पियेंगे थोड़ा सा तीखा लगेगा, कड़वाहट होगी उसमें, या खटास होगी, कड़वाहट न होगी। करेले का जूस पियेंगे, रस पियेंगे तो कड़वा हो सकता है। तो साहित्य का जो रस है वो आपको पीने में कैसी अनुभूति होती है, अर्थात अलौकिक अनुभूति होती है। अलौकिक से तात्पर्य है वह न, अलौकिक से तात्पर्य है वह न तो दिखाई देता है, न उसका कोई स्वाद होता है, न रंग, न रूप, न आकार, वह अलौकिक है, अवर्णनीय है, लोक में नहीं है वो, लेकिन है। इन सब के बाद भी उसे महसूस किया जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। रस काव्य की आत्मा है। संस्कृत में कहा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है, और वही आनंद की अनुभूति कराता है, आनंद देता है। रस कितने हैं? रस 9 माने गए हैं। बहुत सारे लोग 10 बताते हैं, 11 बताते हैं, 12 बताते हैं, गलत बात है, लेकिन मूलतः प्रमाणिक रूप से 9 माने गए हैं। 9 रसों के 9 स्थाई भाव हैं। कौन कौन से रस और स्थाई भाव? श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सलता, और भक्ति का ईश्वर विषयक रति। ये दोनों ही श्रृंगार रस में गिने जाते हैं, उसी के भेद हैं एक तरह से। भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों में रस सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है।
रस सिद्धांत का विशद एवं प्रामाणिक विवेचन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ही सर्वप्रथम उपलब्ध होता है। रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, आप जानते हैं नाटक को पंचम वेद कहा जाता है। और नाट्यशास्त्र के अंदर, नाट्यशास्त्र में ऐसा कोई व्यापार, कोई कार्य नहीं है जो न हो। अर्थात नाटक चूंकि हर क्षेत्र को कवर करता है, इसलिए और उसमें नाटक देखने में, नाटक को लिखने में, नाटक को वाचन करने में जो अनुभूति होती है, जो रसानुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति, वही रस है, उसके बारे में बताया गया है। काव्य के पठन श्रवण दर्शन से प्राप्त होने वाला लोकोत्तर आनंद ही आस्वाद दशा में रस कहलाता है। रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी होती है जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव होकर सत्वगुण का उद्रेक होता है। अर्थात रस की प्राप्ति के लिए कोई आम का रस नहीं जिसको पिया आपको मिठास महसूस हो जाएगी। ये साहित्यिक रस है, इसको प्राप्त करने के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए आपको रजोगुण तमोगुण से विरक्त होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। यानी कि सहज स्वाभाविक सत्वगुण का उद्रेक जब होगा तभी रस का आनंद आप ले सकेंगे। इसमें ममत्व और परत्व की भावना तथा सांसारिक राग द्वेष का पूर्णतः लोप हो जाता है। ये मेरा ही, ये उसका है, ये द्वेष मिट जाता है। क्यों? क्योंकि जब अध्ययन करते हैं किसी कविता का, किसी नाटक का, किसी कहानी का, किसी उपन्यास का, रिपोर्टाज का, जीवनी का, तो उसमें आपको सब कुछ सुंदर, अति सुंदर नजर आता है। ऐसा नहीं है, रस हमेशा मीठे होते हैं, करुण रस होता है, लेकिन रस हमेशा आस्वादित करके अच्छे लगते हैं, वो कभी भी आपके मन में विरक्ति पैदा नहीं करते। रस आनंद ही देते हैं हमेशा, चाहे वो करुण रस ही क्यों ना हो। रस अखंड होता है, सहृदय को विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों की पृथक पृथक अनुभूति न होकर समन्वित अनुभूति होती है। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव क्या है। लेकिन सबके मिलने के बाद एक रसानुभूति होती है, जो पाठक होता है, दर्शक होता है, उसको अलग अलग अनुभूति नहीं होती। रस की विशेषता क्या है? रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस स्व प्रकाश आनंद तथा चिन्मय है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। स्व प्रकाश आनंद यानी कि स्वयं प्रकाशित होकर आनंद देता है, चिन्मय यानी कि निरंतर है वह रस, ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्म यानी कि ईश्वर के समान आनंद की अनुभूति देता है, उसका सगा भाई माना जाता है ईश्वर के समक्ष। रसानुभूति अलौकिक चमत्कार के समान है, जो अलौकिक, लौकिक नहीं बल्कि लोक से परे जो अनुभूति है, चमत्कार है, वो रस है। रस मूलतः आस्वाद रूप है, यानी कि उसका कोई स्वाद नहीं है लेकिन आनंद है, आस्वाद पदार्थ नहीं है, फिर भी व्यवहार में रस का आस्वाद किया जाता है, उसका जायका लिया जाता है। ऐसा प्रयोग गौण रूप से प्रचलित है, इसलिए रस अपने रूप से जनित है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में रस सूत्र इस प्रकार दिया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। इस मत के अनुसार जिस प्रकार नाना व्यंजनों के संयोग से भोजन करते समय पाक रसों का आस्वादन होता है, उसी प्रकार काव्य या नाटक के अनुशीलन से अनेक भावों का संयोग होता है जो आस्वाद दशा में रस कहलाता है। रस के अवयव कितने होते हैं? रस के निम्न अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये चार अवयव हैं। अब हम एक एक भाव की पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्थायी भाव, मन के भीतर स्थायी रूप से रहने वाले सुषुप्त संस्कार या वासना को स्थायी भाव कहते हैं। ये उचित कारण पाकर उद्भुत होते हैं, इनकी संख्या न होती है। स्थायी भाव जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थायी रहते हैं, हमेशा स्थायी रहते हैं। बस जैसे कि आप ये मान के चलें कि जैसे आप जमीन में कुछ बोते हैं, कुछ बीज आपने बोया, वो अंकुरित हुआ, फिर वो पुष्पित होता है, फल लगते हैं उसमें। लेकिन कुछ चीज़ें आप खेतों में देखते होंगे कि बिना बोए ही अपने आप उगती है वो। जैसे उदाहरण के लिए बारिश का मौसम है, उसके अंदर बाजरे की, मक्का की, ज्वार की, ग्वार की या मूंग दाल वगैरह की, ये फसलें बोई जाती हैं। लेकिन खरपतवार जो है वो बोया नहीं जाता, स्वतः उगता है। लेकिन आप ये देखें कि वो जब सर्दी की फसल है, गेहूँ, सरसों, जो चना, उस समय वो खरपतवार नहीं उगेगी, वो इसी मौसम में स्वतः ही उगेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही जमीन नम हुई, ये मौसम आया, एटमॉस्फेयर, पर्यावरण, वातावरण ऐसा रहा, तो अपने आप स्वतः वो बीज अंकुरित हो जाएंगे। तो यानी कि वो जमीन में बीज पहले से हैं,
और वो वाले बीज भी हैं जो सर्दी के मौसम में उगेंगे इस समय, लेकिन गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में जो खरपतवार उगनी है, वातावरण बारिश का पा करके वो बारिश वाले ही अंकुरित होंगे। सर्दी वाले ज्यों के त्यों जमीन में मौजूद रहेंगे। तो स्थायी भाव भी मन के अंदर स्थायी रूप से हैं, लेकिन जैसा कारण पाते हैं उसके अनुसार वो रस में सम्मिलित हो गए, उद्बुद्ध होते हैं। स्थायी भाव अनुकूल आलंबन तथा उद्दीपन रूप उद्बोधन सामग्री के संयोग से रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं। स्थायी भाव ऐसा सागर है जो सभी विरोधी अविरोधी भावों को आत्मसात करके अपने अनुरूप बना लेता है। मम्मट आदि आचार्यों ने रति, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा, निर्वेद, विस्मय, उत्साह, ये 9 स्थायी भाव माने हैं। हम इनके ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। रतिर्हाश्च, शोकश्च, क्रोधोत्साह, भयम् तथा जुगुप्सा, विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकीर्तिता। निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतो अपि नवमो रसः। भरत मुनि के समय प्रारंभ में निर्वेद को छोड़ 8 भावी माने गए थे, बाद में लेकिन 9 स्वीकृत कर लिए गए। विभाव दूसरा अवयव है रस का। जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करें, अर्थात रसानुभूति के कारण को विभाव कहते हैं। रस जिसके कारण उद्दीप्त होते हैं, स्थायी भावों को जागृत करते हैं, जो वो विभाव हैं, और रस की अनुभूति इन्हीं विभावों के कारण होती है। विभाव के 2 भेद माने गए हैं, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। हम जानते हैं आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, ये जानने की चेष्टा करते हैं। आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति को देख करके स्थायी भाव उद्भुत होता है तो वह व्यक्ति के कारण, और वस्तु, कोई वस्तु हो, उपवन हो या कोई दूसरी चीज हो, उसे देखकर भाव उत्पन्न होता है। तो इनके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य या नाटक में या नाट्य में वर्णित नायक, नायिका आदि पात्रों को आलंबन विभाव कहते हैं। अर्थात नायक और नायिका, ये आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, नायक और नायिका। नायक या नायिका जिसके मन में कोई भाव जागृत हो उसे आश्रय आलंबन कहते हैं, और जिसे देखकर भाव जागृत हो उसे विषयालंबन कहते हैं। जैसे कि नायक को देख करके नायिका के मन में भाव जागृत हो रहे हैं, तो जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है वो आश्रय है। नायिका के मन में भाव जागृत है वो आश्रय है, और नायक को देख के भाव जागृत हो रहा है तो विषय आलंबन है, वो आश्रय आलंबन है, विषय आलंबन है। जैसे यदि राम के मन में सीता को देखकर कोई भाव जागृत होता है तो यहाँ राम आश्रय है और सीता विषयालंबन है। उद्दीपन विभाव क्या है? स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव होते हैं। नायक नायिका का रूप, सौंदर्य, पात्रों की चेष्टाएं, ऋतु, उद्यान, चांदनी, देशकाल आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। अर्थात इन सब कारणों से उद्दीपन विभाव जागृत होते हैं। नायिका का सौंदर्य है, पात्र की चेष्टा है, झुकना है, मुस्कुराना है, शर्माना है, संकोच करना है, हाँ, प्रेम के लिए आमंत्रण करना है। ऋतु कैसी है, उसका प्रभाव कैसा है, उद्यान कैसा है, सूखा है, हरियाली है, पुष्ट है, पल्लवित है, सुंदर महक है, चांदनी है, तो इन सब के प्रभाव के कारण। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, विषयनिष्ठ उद्दीपन विभाव और बाह्य उद्दीपन विभाव। शारीरिक चेष्टाएं, हाव भाव विषयनिष्ठ उद्दीपन विभाव तथा प्राकृतिक वातावरण, देशकाल आदि बाह्य उद्दीपन विभाव होते हैं। जैसे सीता की चेष्टाएं राम के मन में रतिभाव उद्दीप्त करेंगी, तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का तट, एकांत आदि भी इस भाव को उद्दीप्त करेंगे। 2 प्रकार हो गए, एक तो सीता यानी कि नायिका को देख करके नायक के मन में रतिभाव, प्रेम पैदा हुआ। दूसरा, इस भाव को और प्रगाढ़ प्रभावित करने के लिए मध्यम संगीत हो, एकांत हो, चांदनी रात्रि हो, या उद्यान के बीच में बैठे हों, तो ये दूसरे प्रभाव हैं, इफेक्ट हैं, जो इस भाव को और अधिक उद्दीप्त करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए आप मान चले आपको भूख लग रही है, भोजन चाहिए आपको, और भोजन में अभी 1 घंटा समय लगेगा, और उसके बाद कोई अच्छी महक आ जाए, या कोई आप टीवी या मोबाइल पर ऐसा सीरियल देख लें जिसमें भोजन का जिक्र है, या कोई बातचीत में भोजन का जिक्र करता है, तो एक तो भूख लग रही है, ऊपर से जिक्र आ गया भोजन का, बातचीत चल गई भोजन की, तो आपको और अधिक क्षुधा लग गई, भूख लग गई, तीव्र लग गई, तो ऐसे आपके मन में
उद्दीप्त हो गए भूख वाले भाव, इन सब कारणों की वजह से। अब बात करते हैं अनुभाव की। अनुभावो भाव बोधक, अर्थात भाव का बोध कराने वाले अनुभाव होते हैं। रसानुभूति में विभाव कारण रूप हैं तो अनुभाव कार्य रूप होते हैं। अनुभव कराने के कारण ही ये अनुभाव कहलाते हैं। आलंबन उद्दीपन विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली शारीरिक मानसिक अथवा अनायास होने वाली चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव के चार भेद हैं, आंगिक या कायिक, वाचिक, आहार्य सात्विक। ये एक तरह से अभिनय के चार अंग भी बताए जाते हैं, जो एक्टिंग होती है उसके चार तत्व हैं। नाट्यशास्त्र में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। पहला है आंगिक या कायिक अनुभव, यानी कि शरीर की चेष्टाओं से व्यक्त कार्य, जैसे कि भ्रू, आँखों के ऊपर का संचालन, आलिंगन, कटाक्षपात, चुंबन आदि आंगिक अनुभव होते हैं। ये क्रियाएं अंग के द्वारा, कायिक शरीर के द्वारा की गई हैं, तो ये आंगिक अभिनय है, आंगिक अनुभव है। जब एक्टिंग करता है व्यक्ति तो अंग से करता है, चार प्रकार से करता है। तो पहला अंग हो गया, हाथ को ऊपर ले जाना, इधर करना ऐसे भी। दूसरा इशारे से बात करना, होठ मुस्कुरा करके बात करना, हंसना, वो सब चीज़ें। वाचिक अनुभाव अब है वाणी के द्वारा, यानी कि बोलना, वाणी के द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति, परस्पर आलाप, बातचीत करना इसमें होती है। इसे मानसिक अनुभाव भी कहा जाता है। बोल करके बताते हैं आप क्रोध में हैं, प्रेम में हैं, सहज हैं, शांत हैं, गुस्से में हैं, घृणा कर रहे हैं, वाट एवर जो भी है, मतलब उसको स्पष्ट करते हैं। तीसरा है आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव का मतलब है नायक नायिका के द्वारा पात्रानुसार वेशभूषा, अलंकार आदि को धारण करना अथवा देश काल का कृत्रिम रूप में उपस्थापन करना आहार्य अनुभाव कहलाता है। जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई अभिनेता किसी भिखारी का अभिनय कर रहा है, तो वो ठीक है, उस वो कहेगा भिक्षा दे दो, ये भिखारीपन हो गए, लेकिन उसकी वेशभूषा से भी लगना चाहिए, उसके पात्र से लगना चाहिए। तो उसके हाथ में कटोरा हो, फटे वस्त्र हो, उसके चेहरे पर गरीबी या भुखमरी की सी व्याप्ति दिखाई दे रही हो, तो ये आहार्य है, यानी कि वेशभूषा, आभूषण ऐसे पहन रखे हों। कोई स्त्री है, अब स्त्री में जैसे मान लीजिए दुल्हन है और एक दुल्हन की सहेली है, तो इन दोनों में अंतर दिखाई देना चाहिए। दुल्हन है तो ज़्यादा श्रृंगारित रूप है, उसने ज़्यादा अलंकरण किया है, बहुत अत्यधिक सुंदर वस्त्र पहने हैं, ज़्यादा चटकीले चमकीले वस्त्र पहने हैं, तो ऐसे अंतर दिखाई देना चाहिए वेशभूषा के माध्यम से। तो जो ये आहार्य अनुभाव है। अब है सात्विक अनुभाव। ये अंतःकरण की वास्तविक दशा के प्रकाशक होते हैं, सत्व से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सात्विक कहा जाता है और मनुष्य का इन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। ये सबसे मुख्य और कठिन अभिनय माना जाता है, सात्विक यानी कि सत्य, और ये अभिनय नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसके आठ प्रकार हैं, कौन कौन से हम बताते हैं। जैसे स्तंभ, अंगों का जड़वत होना, स्वेद यानी कि पसीना, रोमांच, रोमांचित हो जाना, वेप्थु यानी कि कपकपाना, कंपन होना, स्वरभंग, बोलते बोलते कुछ और बोल जाना, डर लगना या खुशी के मारे न बोल पाना, वैवरण्य, रंगहीनता, मुँह पीला पड़ जाना, एकदम से स्थायित्व जड़वत वाली स्थिति वाली हो जाए, कुछ असमंजस की स्थिति हो जाए, अश्रु, आँख में आंसू आना, प्रलय यानी कि अचेत, निश्चेष्टता, कुछ भी न सूझना एकदम से, व्यभिचारी भाव चौथा है। हम बात कर रहे थे पहले इनकी, सात्विक अनुभवों की। दरअसल ये सात्विक अनुभव अभिनय का बहुत ही श्रेष्ठ अभिनय माना गया है, अंग माना गया है। जैसे कि आप मान लो किसी दूसरे साथी कलाकार से वार्तालाप कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, और सुख का या दुख का कोई दृश्य है, तो उसे बातचीत करते करते आपकी आँखों से अश्रु बहने लगे, और जबकि आप उसमें कोई ग्लिसरीन वगैरह न लगाएं और कोई बनावटी अभिनय न करें, सहज भाव से उस बातचीत में कई बार निकल जाता है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं नाटक या फिल्म या मूवी या कोई दृश्य देखते हैं, तो हम हंसाने वाले के साथ साथ हंसने लगते हैं, रोने का दृश्य होता है रोने लगते हैं, सहानुभूति का दृश्य है, कारुणिक दृश्य है तो उसके प्रति करुणा प्रकट करते हैं। तो ये क्यों है? ये उस रस के स्थायी भाव के कारण है, यानी कि वो हमें इतना तादाप्य में कर लेता है, जोड़ लेता है, कि हमें वो अपना सा लगता है, उसमें ऐसा लगता है जैसे कि वास्तव में घट रहा हो, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, नत्थी हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो हमें एहसास होता है। तो उस वार्तालाप में जब एक अभिनेता दूसरे अभिनेता या अभिनेत्री से बात वार्तालाप कर रहा है, अश्रु आ गए, तो वहाँ पर वह सात्विक अभिनय हो गया। तो इस प्रकार से हो तो वह सात्विक अभिनय में गिना जाएगा।
व्यभिचारी भाव, इन्हें संचारी भाव भी कहते हैं, इनकी संख्या 33 मानी गई है। विविधम आभिमुखेन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः, व्यभिचारी इन्हें संचारी भाव भी कहा जाता है, भाव स्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं, इनके द्वारा स्थायी भाव की स्थिति की पुष्टि होती है। संचरण मतलब ये घूमते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, ये एक से दो, दो से तीन, कई बार इधर उधर सभी रसों में घूमते रहते हैं। एक रस के स्थायी भाव के साथ अनेक संचारी भाव आते हैं तथा एक संचारी भाव किसी एक स्थायी भाव के साथ या रस के साथ नहीं रहता है, वरन अनेक रसों के साथ संचरण करता है, यही उसकी व्यभिचार की स्थिति है। संचारी भाव उसी प्रकार उठते और लुप्त होते हैं जैसे जल में बुदबुदे और लहरें उठती हैं और विलीन होती रहती हैं, अर्थात ये लगातार उठते बैठते रहते हैं, घूमते संचरण करते, स्थिर नहीं रहते हैं। भरत मुनि ने 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है, उनका हम नाम बता देते हैं। निर्वेद यानी घृणा, ग्लानि आप जानते हैं, शंका संकोच करना, असू यानी कि दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, एक तरह से ईर्ष्या वाला थोड़ा सा भाव है, मद नशा, श्रम मेहनत, आलस्य आप जानते हैं, आलस्य करना, दैन्य यानी कि दीनता वाली स्थिति, चिंता चिंतित होना, मोह लालच एक तरह से, स्मृति याद, घृति धृति मन की चंचलता का अभाव यानी कि वो ना हो जब मन की चंचलता उसके अंदर, विरड़ा यानी कि लज्जा जब आए, शर्म संकोच एक तरह से, चपलता यानी कि चंचलता, हर्ष खुशी आवेग तीव्र गति से, जड़ता एकदम स्थिर होना, गर्व यानी कि घमंड, विषाद यानी कि दुख, औत्सुक यानी कि उत्सुकता किसी चीज़ को जानने की बहुत तीव्रता हो, निद्रा नींद, अपस्मार यानी कि मिर्गी, स्मरण शक्ति की हानि। बहुत सारे लोगों को सुना होगा आपने, एक उसको दोहरा आता है, मिर्गी आती है, यानी कि वो एक तरह से मूर्छित हो जाता है, तो उसे साहित्य में अपस्मार कहते हैं। सुप्त यानी कि सुप्त अवस्था में एक तरह से सोने वाली अवस्था, विबोध चैतन्य लाभ, चित्त के द्वारा चिंतित न होकर के चैतन्य होना, किसी विशेष चीज़ की ओर प्रभावित होना, अमर्ष विरोधी का उपकार करने की अक्षमता के कारण उत्पन्न दुख, यानी कोई आपका अरि है, शत्रु है, विरोधी है, उसका आप अपमान न कर पाएँ, उसका कोई दुख न, उसका विरोध न कर पाएँ, तब आपके मन में एक अक्षमता का भाव जो प्रकट हो तब उसके कारण। अविद्या हर्ष आदि भावों की छिपाना, उग्रता, मति यानी कि बुद्धि, व्याधि यानी कि बीमारी, उन्माद बहुत तीव्र होना, किसी बात को लेकर झगड़ा, मरण मृत्यु, त्रास, अनिष्ट का भय, वितर्क यानी कि किसी बात को बिना तर्क के बहस करना, ये 33 संचारी भाव हैं। अब बात करते हैं रसों के प्रकार को लेकर के। नाट्यशास्त्र में 8 स्थायी भावों और उन पर आधारित 8 रसों की विवेचना प्रस्तुत की, लेकिन पश्चवर्ती यानी कि बाद के आचार्यों ने रसों की संख्या 9 निर्धारित की। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकः विभत्साधाभूत संगो चेष छांतो अपि नवमो रस है। नागानंद रचना के पश्चात शांत रस, महाकवि सूरदास की रचनाओं में वात्सल्य रस, भक्ति रसामृत सिंध और उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथों की रचना के पश्चात भक्ति रस को स्वीकार किया गया। इस प्रकार रसों की कुल संख्या 11 हो गई, लेकिन प्रमाणिक रूप से 9 ही रस माने जाते हैं। रस कौन कौन से हैं? 9 श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत। हम एक एक श्रृंगार को लेकर, उसको उदाहरण को लेकर के चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति है, आलंबन विभाव है इसका नायक या नायिका, उद्दीपन विभाव है नायिका के कुछ नितंब आदि, अंग एकांत, वन उपवन, चंद्र ज्योत्सना, वसंत पुष्प, नायिका अथवा अनुभव की चेष्टाएं, ये सब इसके उद्दीपन विभाव हैं, हाव भाव, तिरछी चितवन, मुस्कान आदि। संचारी भाव, 33 संचारियों में से उग्रता, मरण, आलस्य, जुगुप्सा को छोड़कर शेष सभी संचारी भाव मुख्यतः लज्जा, शर्म, चपलता आदि श्रृंगार रस में विचरण करते रहते हैं। श्रृंगार रस 2 भागों में विभक्त किया जाता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग यानी कि मिलना, वियोग यानी कि बिछोड़ना। साहित्य में वियोग श्रृंगार अधिक श्रेष्ठ है और उसका अधिक वर्णन है, क्योंकि मिलन से अधिक इंतजार ज्यादा आनंददायी होता है। संयोग श्रृंगार, आचार्य धनंजय के अनुसार जहां अनुकूल विलासी एक दूसरे के दर्शन, स्पर्शन इत्यादि का सेवन करते हैं, वह आनंद से युक्त संयोग श्रृंगार कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जहाँ एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका दर्शन स्पर्शन आदि का सेवन करते हैं, वह संयोग श्रृंगार कहलाता है।
संयोग श्रृंगार के वर्ण्य विषय में प्रेम की उत्पत्ति आलंबन एवं किरणाएँ होती हैं। उत्पत्ति प्रत्यक्ष दर्शन, गुण श्रवण, चित्र दर्शन या स्वप्न दर्शन द्वारा होती है, यथा कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। बिहारी का बहुत ही प्रसिद्ध ये दोहा है कि एक नायक नायिका एक पूरे भवन में, यानी कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं और वो नायक नायिका आपस में इशारे कर रहे हैं। तो नायक कह रहा है, एक नायिका कहती है लेकिन फिर नट जाती है, रीझती है, खिजखिजाती है, मिलत खिलत मिलती है, फिर खिलखिलाती है और फिर लज्जा जाती है, शर्म कर जाती है। लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है? भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये भरे भवन में नैन ही से बात हो रही है, न कि प्रत्यक्ष रूप में बात हो रही है। अगला देखें, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे देन कहीं नट जात। ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, आप जानते होंगे, बिहारी का है। वियोग श्रृंगार, जहां रति नामक भाव प्रकर्ष को प्राप्त हो लेकिन अभिष्ट को न पा सके, अर्थात जो इच्छित हो उसे प्राप्त न कर सके लेकिन ये आशा होगी वो प्राप्त होगा, वहां वियोग श्रृंगार कहा जाता है। अर्थात नायिका नायक में जहां प्रेम तो हो लेकिन उनका मिलन न हो तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। हिंदी फिल्में आप देख लीजिए, वियोग श्रृंगार पर ही बनी जाता है, या फिर अंत में उनका संयोग होता है लेकिन पूरी फिल्म ढाई तीन घंटे में दो घंटा ढाई घंटा यही होता है वियोग श्रृंगार। युवा और युवती की परस्पर मुद्रित पंचेंद्रियों के पारस्परिक संबंध का अभाव अथवा अभिष्ट की अप्राप्ति वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं निर्धारित हैं, अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण। वियोग श्रृंगार के 4 प्रकार हैं, पूर्वराग, मान, प्रवास, अभिशाप या करुणात्मक। वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए, घड़ी एक नहीं आवड़ी तुम दर्शन बिन मोए, तुम हो मेरे प्राण जी कांसू जीवन होए। धन न भावे नींद न आवे विरह सतावे मोई, घायल सी घूमत फिरूं रे मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा की ये पंक्तियाँ हैं, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। अपने प्रिय, चाहे वो ईश्वर हो या प्रेमी हो, उसके वियोग में इतनी व्याकुल है प्रेमी का कि उसको नींद नहीं आ रही है, विरह उसको सता रहा है और वह घायल है, घूमती फिर रही है, उसका दर्द कोई नहीं जान पा रहा है। हास्य रस, स्थाई भाव इसका हास है और आलंबन विभाव हास्यपद वचन, विकृत वेश या विकृत कार्य। उद्दीपन विभाव अनुपयुक्त वचन, अनुपयुक्त वेश, अनुपयुक्त चेष्टा, अनुभाव, मुख का फुलाना, हंसना, आंखें बंद होना, ओठ नथुने आदि का स्फुरण। संचारी भाव चापल्य, उत्सुकता, निद्रा, आलस्य, अविस्थ्या। हास्य रस में 6 प्रकार के हास का उल्लेख होता है, स्मित, आंखों में खुशी झलकना, हसित, मुस्कुराना, विहसित, दंतावली दिखाई देना, अवस्थ, कंधे उचकाना एवं हंसी की आवाज आना, अतिहसित, जोर जोर से ठाके लगाना, अपहसित, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, इधर उधर गिरना। हास्य रस का उदाहरण देखिए कि नाक चढ़ई सीसी करई, जितई छबीली छैल, फिर भूले वही गए पयऊ कंकरीली गैल। बिहारी का दोहा है, सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटुकी सिर रीति लेके, पुनि बांधी लयो सुनयो नतना, रू कहूँ कहूँ बूंद करी छलकई। अगला है करुण रस, स्थाई भाव शोक, आलंबन विभाव प्रिय व्यक्ति का दुख, मृत शरीर, इष्ट नाश। उद्दीपन विभाव है आलंबन का रुदन, मृतक दहा, यादें, स्मरण। अनुभाव है इसमें अश्रुपात, विलाप, भाग्य निद्रा, भूमि पतन, उच्छ्वास। संचारी भाव है निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, उन्माद, यथा। उदाहरण देखिए, देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयोनी, नैनन के जलसों पगी धोए। यानी कि जब सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं तो वो स्थिति होती है कि कृष्ण अपने नैनों के जल से उनके पैर धोते हैं, जब मित्र सुदामा की ये कारुणिक स्थिति देखते हैं तब। अगला रस है रौद्र रस, स्थाई भाव क्रोध, आलंबन विभाव अपराधी व्यक्ति, शत्रु, विपक्षी, द्रोही, दुराचार। उद्दीपन विभाव कटुवचन, शत्रु के अपराध, शत्रु की गर्वोक्ति।
अनुभव, नेत्रों का रक्तिम होना, त्योरियाँ चढ़ना, होठ चबाना आदि, संचारी भाव, मद उग्रता, अमर्श, स्मृति जड़ता, गर्व। उदाहरण देखें, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अगला है वीर रस। स्थाई भाव इसका उत्साह, लंबन विभाव है, शत्रु शत्रु का उत्कर्ष, आश्रय है नायक यानी कि वीर पुरुष, उद्दीपन विभाव है रिपु की गर्वोक्ति, मारू आदि, राग रणभेरी रण कोलाहल, युद्ध का वातावरण जो होता है, अनुभाव यानी कि अंग स्फूर्ण, रक्तिम नेत्र, रोमांच, संचारी भाव है हर्ष, धृति, गर्व, असूया आदि वीर रस के उदाहरण है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, हे सारथे हैं द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। ये एक वीर रस उत्साह की ओज की प्रवृत्ति है इसमें। अगला है भयानक रस। स्थायी भाव है भय, आलम्बन विभाव है बाघ, चोर, भयंकर वन, शक्तिशाली का कोप, भयानक दृश्य, उद्दीपन विभाव है आलम्बन की चेष्टाएं, नीरवता, कोलाहल, अनुभाव है गिड़गिड़ाना, श्लथ होना, आंखें बंद करना, स्वर भंग, पलायन, मूर्छा, संचारी भाव है दैन्य जड़ता, आवेग, शंका, चिंता आदि। इसका उदाहरण देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, ये कामायनी से ली गई है। विभत्स रस। स्थायी भाव जुगुप्सा, आलम्बन विभाव घृणास्पद वस्तु या कार्य, मांस रक्त अस्थि शमशान दुर्गंध, उद्दीपन विभाव है आलम्बन के कार्य, रक्त मांस आदि का सड़ना, कुत्ते गिद्ध आदि द्वारा शव का नोचना, अनुभाव है मुंह मोड़ना, नाक आँख बंद करना, थूकना आदि, संचारी भाव है मोह, असूया, अपस्मार, आवेग, व्याधि, जड़ता आदि। विभत्स रस के उदाहरण हैं, सिर पर बैठो काग, आँखी दो उखात निकारत, खींचत जी भई स्यार, अति आनंद न डारत, आनंद डर धारत। अगला है अद्भुत रस। स्थायी भाव विस्मय यानी कि आश्चर्य व्यक्त करना, आलम्बन विभाव अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, उद्दीपन विभाव है आलम्बन का गुण या कार्य, अनुभाव रोमांच, कंप, स्वेद, संभ्रम, संचारी भाव है वितर्क, भ्रांति, हर्ष, शंका, आवेग, मोह। उदाहरण देखे, एक अचंभो देखियो रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरवर ब्याही, पकड़ी बिलाई मुर्गई खाई। कबीर की उलट बासियां जिसको कहते हैं, वो उस स्थिति में। शांत रस नवारस। स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य, आलम्बन विभाव निर्वेद उत्पन्न करने वाली वस्तु, सांसारिक नश्वरता, उद्दीपन विभाव सत्संग, पुण्याश्रम, तीर्थ, एकांत, भजन, अनुभाव रोमांच, दृढ़ता, कथन, चेतावनी, संकल्प, एक तरह से संन्यास वाला जो आश्रय वाला भाव वृद्ध अवस्था के बाद जो स्पष्ट होता है, संचारी भाव धृति, मोह, निर्वेद, हर्ष, विमर्श, आश्रय है ज्ञानी व्यक्ति। उदाहरण देखें, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। कबीर का बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपके स्वयं के मन में है ये कुंभ, ये घटा, लेकिन जब फूटता है तब उसका एहसास होता है, और उसका पानी पानी में रहता है, मिल जाता है, पता ही नहीं लगता। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। रस को लेकर के हमने बहुत विस्तृत, काफ़ी अच्छे से स्पष्ट करने की कोशिश की, संभवतः आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, कोई बिंदु, कोई टॉपिक, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कैसे लगी, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, आपके मन में कोई शंका हो तो सवाल कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो विद्यार्थियों, हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आप स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, और देश को सुरक्षित रखें। शुक्रिया।